प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के रजत जयंती समारोह के मौके पर 5G टेस्ट बेड किया लॉन्च। कहा 5G तकनीक देश की गवर्नेंस में लाएगी सकारात्मक बदलाव। पीएम ने इस मौके पर डाक टिकट भी किया जारी। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने ट्राई के रजत जयंती समारोह के मौके पर कहा, कोविड के दौरान दूरदर्शन की फ्री डिश DTH के रूप में सबसे बड़ी सेवा ने छात्रों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में की बड़ी मदद। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष की नई याचिका, सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 दिनों का मांगा समय, वजू खाने से पाइपलाइन शिफ्ट करने की भी मांग। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कैरिबियाई देशों की यात्रा के दूसरे दिन किंगस्टन में राष्ट्रपति जमैका हाउस में प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर। भारत और जमैका के बीच व्यापार, निवेश, सेवा, खेल और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने पर भी हुई बातचीत। स्वदेशी युद्धपोत निर्माण इतिहास में देश ने हासिल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। मुंबई के मझगांव बंदरगाह लिमिटेड पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत INS सूरत और INS उदयगिरी का किया सफलतापूर्वक लोकार्पण। तमिलनाडु में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की टीम ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री के पुत्र कार्ति पी चिदम्बरम के परिसरों की ली तलाशी। चेन्नई के अलावा मुंबई और दिल्ली में भी कई जगहों पर की छापेमारी। कार्ति पर चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के लिए रिश्वत लेने का है आरोप। दक्षिण पश्चिम मानसून अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधिकतर भागों में निर्धारित समय से 6 दिन पूर्व पहुंचा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इसके आसपास के क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिम की ओर से तेज हवाएं चलने के कारण हो रही है तेज वर्षा। प्रतिष्ठित कॉन फिल्म महोत्सव आज से फ्रांस में हो रहा है शुरू। 75वें कॉन फिल्म महोत्सव के रेड कार्पेट कार्यक्रम में भारतीय प्रतिनिधि मंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर सहित संगीतकार AR रहमान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसी फिल्मी हस्तियां होंगी शामिल। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने एलिजाबेथ बॉर्न को देश का नया प्रधानमंत्री किया नामित। 61 वर्षीय बॉर्न रह चुकी है परिवहन, पारिस्थितिकी और श्रम मंत्री। एडिथ क्रिशन के बाद इस पद को संभालने वाली बनी दूसरी महिला।